हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ म्यूज़िक पीजीटी, जो यूपी पीजीटी का जो म्यूज़िक वोकल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2009 में हुआ था। तो वो मैं सॉल्व पेपर आज आपके सामने लेकर आई हूँ। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, संगीत किसे कहते हैं? गायन को, वादन को, नृत्य को या तीनों के मिश्रण को? ये बात तो हम सभी जानते हैं कि संगीत गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों के मिश्रण से बनता है, राइट? नेक्स्ट है, सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में हमें पता है कि 7 स्वर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति जो है वो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वी नो दैट। तो उसके जो शुद्ध स्वर की पहचान होती है वो होती है कि उसके ऊपर कोई भी रेखा नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भातखंडे स्वरलिपि में विकृत स्वरों को या विकृत स्वरों की क्या पहचान है? ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है बट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद ऐसा है। स्वरलिपि में विकृत स्वर को क्या कहते हैं? तो की पहचान जो है इसमें ऊपर एक रेखा होती है, वो विकृत स्वर की पहचान होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? तो स्वर, स्वर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अलंकारों का निर्माण स्वर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या है? सम का चिन्ह होता है क्रॉस, जो यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको ये जीरो का भी साइन दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है? खाली, दूसरी मात्रा पर दो होता है, चौथी पर मात्रा पर, चौथी ताली पर चार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? तो राग बागेश्वरी में अनुवादी के नाम से ये पंचम स्वर पहचाना जाता है। आपको पता है कि वादी स्वर क्या होते हैं? जो राग में बहुत ही ज़्यादा जिस स्वर का यूज़ किया जाता है दैट इज़ वादी स्वर, संवादी स्वर उससे कम, विवादी मतलब उसका यूज़ या तो ना हो या फिर बिल्कुल रेयर हो, और अनुवादी जो स्वादी और संवादी से कम यूज़ हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, औड़व संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? औड़व आपको पता है, औड़व यानी आरोह में 5 स्वरों का यूज़ हुआ हो, संपूर्ण यानी 7 स्वरों का यूज़ हुआ हो, मतलब आरोह में 5 स्वरों का यूज़ हुआ है और अवरोह में 7 स्वरों का यूज़ हुआ है। तो आपको बताना है कि औड़व संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। आपके पास 4 ऑप्शन है, भैरव, यमन, आसावरी या फिर खमाज। तो राइट आंसर है खमाज। जो खमाज राग है वो औड़व संपूर्ण जाति का राग है। आगे बढ़ते हैं, राग भैरव का गायन समय क्या है? हमको पता है राग भैरव का गायन समय जो है वो सुबह है, यानी कि प्रातःकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? गामा रे सा, रे कोमल लग रहा है तो हमें पता है कि रे जो है कोमल कौन से राग में लगता है? भैरव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरव। राग का वादी स्वर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक लगने वाला स्वर वादी स्वर कहलाता है, कि हम किसी राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड वादी स्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? राग का जो सरगम गीत होता है वो रागांग दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? हम किसी भी राग को कैसे पहचान सकते हैं? स्वर के आधार पर, भाई उसमें कौन से स्वर लग रहे हैं इसी को आइडेंटिफाई करने के बाद ही तो हम किसी राग को पहचान सकते हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, दिलरुवा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? ये तंत्र वाद्य का है। उसके बाद, अल्लाह रखा खां किसके पिता थे? जाकिर हुसैन के पिता का नाम अल्लाह रखा खां था। पहले किसका जन्म हुआ, छोटा ख्याल का, बड़ा ख्याल का, ठुमरी का या फिर टप्पा का? तो इसका करेक्ट आंसर है बड़ा ख्याल का। आफ्टर दैट, ताल दीप चंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? तो ताल दीप चंदी का प्रयोग जो है वो ठुमरी के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है? टप्पा के साथ जो ताल बजती है दैट इज पंजाबी, क्योंकि टप्पा एक ऐसी गायन शैली है जो ज़्यादातर
पंजाब में यूज होती है, पंजाबी गानों में यूज होती है, वही होता है। भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हम सभी जानते हैं कि भातखंडे विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है? तो वंदे मातरम राग देश में गाया जाता है। गारे गापा धानी सा ये किस राग को दर्शाता है? बिलावल। हम जानते हैं बिलावल में सभी स्वर शुद्ध यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धानी रे सा किस राग का अंश है? तो यानी देखिए यहाँ पर आपका कोमल धा लग रहा है, कोमल नी लग रहा है, तो कोमल धा और कोमल नी ये दरबारी राग में यूज होता है। राग अड़ाना किस सप्तक में ज़्यादा रहता है? राग अड़ाना मंद्र सप्तक में ज़्यादा रहता है। राग दरबारी कब गाया जाता है? मतलब ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं राग दरबारी का गायन समय, तो राग दरबारी का गायन समय होता है रात्रि। गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? गंभीर प्रकृति का राग दरबारी है इनमें से। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किनके शिष्य थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पंडित भातखंडे के, विष्णु दिगंबर के, इचलंकर जी के या बखले बुआ के। तो इनका करेक्ट आंसर है विष्णु दिगंबर। बलवंत राय भट्ट किसके शिष्य थे? तो बलवंत राय भट्ट जो थे वो विनायक राव पटवर्धन के शिष्य थे। राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है? राग विज्ञान के लेखक का नाम पंडित विनायक राव पटवर्धन है। कर्नाटक पद्धति में मुख्य कितनी ताले मानी गई हैं? 7 ताले मानी गई हैं। सा रे गा रे गा रे सा किस राग का अंश है? कोमल रे कोमल गा, और ये रेगा रेगा की आप देख रहे हो ना कि इसकी रेपिटेशन हो रही है, तो ये जो राग है ये तोड़ी कांश है। नी सा मा गा मा पा, नी कोमल देखिए लग रहा है, मा तीव्र है, तो ये जो राग है ये मुल्तानी राग का अंश है। आगे बढ़ते हैं, चार ताल किस गायकी की ताल है? हम जानते हैं चार ताल जो है ध्रुपद, जब हम ध्रुपद गायन शैली में चार ताल का यूज़ किया जाता है। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि टप्पा का किससे संबंध है? पंजाबी है ना, तो टप्पा किस घराने की विशेषता है? टप्पा जो है वो दिल्ली घराने की विशेषता है। कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? तो जो ठुमरी है वो बनारस की ठुमरी बहुत प्रसिद्ध है। सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? सविता देवी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसमें से आपको 4 क्वेश्चन मिले हैं जो ठुमरी से ही रिलेटेड हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने में हमें ये हेल्प रहती है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनके आने की चांसेस भी रहती है, तो हमें उन टॉपिक को बहुत ही उन पर क्या कहना चाहिए, बहुत ही कमांड होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो सियाराम तिवारी जो थे वो ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। भावरंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा है? तो भावरंग लहरी जो है ये बलवंत राय भट्ट हैं, इनके नाम के साथ जुड़ा है। प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है? प्रणव भारती के लेखक का नाम पंडित ओमकारनाथ ठाकुर है। कुल कितनी श्रुतियाँ हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा म्यूजिक श्रुतियाँ पर ही डिपेंड करता है, तो 22 श्रुतियाँ हैं। सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? 4। देखिए फ्रेंड्स, ये जो श्रुति वाला टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, बाला साहेब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये भी भाई साहब ध्रुपद के लिए फेमस हैं। सारणा चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुई थी? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं आपको कितना वो है, नहीं तो फिर मैं जो है एक बुक से रिलेटेड भी एक आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र और जो भी हमारे म्यूज़िक की जितनी भी बुक्स हैं ना जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती है, उनका मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट है, 15 मात्रा की ताल का नाम क्या है? तो 15 मात्रा की ताल का नाम है पंचम सवारी। त्यागराज भारत के किस भाग से थे? तो त्यागराज भारत के दक्षिण भाग से थे। 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि छप ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? तो ये 2/3 की लयकारी यहाँ पर आ जाएगी। प्रारंभ में कितने ग्राम थे? तो प्रारंभ में 3 ग्राम थे। कुल मूर्छनाएं कितनी होती हैं?
तो हम जानते हैं जो कुल मूर्छनाएं हैं वो 21 होती हैं। कुल विकृत स्वर कितने होते हैं? कितने विकृत स्वर होते हैं? 5। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। हम जानते हैं राग बिलावल में सभी स्वर जो हैं वो शुद्ध लगते हैं। राग यमन का संवादी स्वर क्या है? तो राग यमन का संवादी स्वर है नी। गामा पाधा नी धामा पाधा मागा किस राग की पकड़ है? तो ये खमाज की पकड़ है, ठीक है। जमजमा प्राय किस वाद्य पर बजता है? तो जमजमा जो है वो सितार पर बजाया जाता है। अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? तो अमजद अली जो है वो सरोद वादक है। पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि पंडित रविशंकर जो है उनके गुरु का नाम क्या था? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है मंद्र मध्यम। गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है? तो आंसर इज गद। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर। किस ताल की सम पर खाली होती है? रूपक। परन किस वाद्य से संबंधित है? तो परन जो है वो संबंधित है फ्रेंड्स हमारा पखावज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिना सारिका की वीणा का नाम है, इनमें से कोई नहीं इनकी वीणा का नाम, ना तो रुद्र वीणा है, ना तंजौरी वीणा है, ना विचित्र वीणा है। पंडित रामनारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पंडित रामनारायण जो है वो सारंगी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है? आड़ी लय 2/3 से प्रदर्शित होती है। तबले में फरक्खा भात किसके लिए प्रसिद्ध है? तबले में फरक्खाबाद जो है वो कायदे के लिए प्रसिद्ध है, जो कायदा बजाया जाता है। तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त है? तो तबले में संगत सम्राट की पदवी जो है वो अहमद जान थिरकवा को प्राप्त है। कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? गुदई महाराज, ठीक है। नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मृदंगम। पागलदास क्या बजाते थे? पागलदास पखावज। वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य है सरोद की आंस बढ़ाना। चक्करदार तिहाई में समान मात्राओं में कितने बोल होते हैं? तो चक्करदार तिहाई में समान मात्राओं में 9 बोल होते हैं। रेला किस वाद्य से संबंधित है? तो हम जानते हैं तबले में बजाया जाता है रेला। ठाई की तिहाई को क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? इसका आंसर भी नन ऑफ द अबव है। पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? तो पंडित बलराम पाठक सितार वादक थे। नेक्स्ट आ जाते हैं। शरण रानी क्या बजाती थी? तो शरण रानी जिस इंस्ट्रूमेंट से रिलेट है वो है सरोद। धाती नाड़ा किस वाद्य का बोल है? हम जानते हैं ये तबले का है। वी जी जोग क्या बजाते थे? तो वी जी जोग का संबंध वायलिन से है। सुर सिंगार संसद कहाँ स्थित है? सुर सिंगार संसद जो है वो दिल्ली में स्थित है। राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ है ग्वालियर में। संगीत में किनका समावेश माना जाता है? संगीत में जिसका समावेश माना जाता है गीतम वाद्यम नृत्यम, ठीक है। जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुवादी कहते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है? 10। और दक्षिण भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है? 19। किस वेद को संगीत का आधार माना जाता है? तो सामवेद। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सामवेद। भरत ने ग्राम की संख्या कितनी मानी है? भरत ने ग्राम की संख्या 2 मानी है। राग गायन का विकास किससे हुआ? राग गायन का विकास जाति से हुआ। जब किसी राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसकी जाति क्या बनती है? उसकी जाति बनती है औड़ब संपूर्ण। मैंने आपको बताया था ना अभी,
अच्छा, औड़व क्या है, जब आरोह में भी पांच स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं और अवरोह में भी पांच स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो बन जाता है औड़व। ठीक है, संपूर्ण औड़व क्या है, जब आरोह में प्रयोग किए जा रहे हैं सात स्वर और अवरोह में प्रयोग किए जा रहे हैं पांच स्वर, तो वो बन जाता है संपूर्ण औड़व। षाड़व औड़व क्या है कि जब आरोह में प्रयोग किए जा रहे हैं सिक्स और प्रयोग किए जा रहे हैं सात। ठीक है, उसके बाद ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है, तो ध्वनि जो है वो कंपन या आंदोलन से प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। ख्याल किस भाषा का शब्द है, तो ख्याल जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। नाद की विशेषताएं क्या है, नाद की तीन विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी आपको पता ही है, नाद का छोटा बड़ापन, नाद का ऊंचा नीचापन, है ना। संगीत का संबंध किससे है, संगीत का जो संबंध है वो है आहत नाद से। श्रुतियों की कुल संख्या क्या है, 22, 22 श्रुतियां हैं टोटल। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर अवस्थित है, तो ये है 16। किस वाद्य में सारिका यानी पर्दों का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर आपको पता ही है, सितार इसका आंसर है। ठीक है, वाद्यों के कितने वर्ग हैं, चार टाइप के वाद्य होते हैं, आपको बात पता ही है, तंतुवाद्य, शशीर वाद्य, घन वाद्य, है ना। जाति भेद से तालों की संख्या कितनी होगी, तो जाति भेद से तालों की संख्या 35 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोमल री गा धा तथा मातिव्र युक्त कौन सा था, अभी हमने पहले भी बात की थी, तोड़ी। तोड़ी में रेगा धा कोमल यूज होता है और मा तीव्र यूज होता है। सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाट कौन सा है, तो सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाट जो है वो बिलावल है। सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है, तो मंद्र मा में मिलाया जाता है। निम्नलिखित में एक औड़व जाति का राग कौन सा है, बिभास। ठीक है ना, जो ये बिभास है ये है। राग भोपाली में वर्जित स्वर कौन सा है, मा और नी। राग भोपाली में जो स्वर वर्जित है दैट इज मा और नी। निम्नलिखित में एक 15 मात्रा की ताल कौन सी है, तो वो गजछंपा है। गजछंपा जो है वो 15 मात्रा की ताल है। कायदा रेला किस पर बजाया जाता है, अभी बात की थी, तबले पर बजाया जाता है। ताल के कितने प्राण हैं, तो ताल के 10 प्राण हैं। खंड जाति में लघु की मात्रा क्या है, 5 है। शहनाई बांसुरी वाद्यों के ये जो है किस वर्ग में आते हैं, शशीर वाद्य में आते हैं। निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है, दैट इज हरिष्णा। कौन सा वाद्य तितंत्री वीणा से विकसित हुआ है, दैट इज सितार। तानसेन के गुरु का नाम क्या था, स्वामी हरिदास। किस राग में दोनों नी स्वरों का प्रयोग होता है, राग देश में शुद्ध नी भी यूज होता है, कोमल नी भी यूज होता है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित है, ग्वालियर। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने भी बताया ना कि किस राग में दोनों नी स्वरों का प्रयोग होता है, देश। और इसी पेपर में हम लोगों ने भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि वंदे मातरम किस राग में बजाया जाता है, देश में, है ना। यानी कि जो वंदे मातरम है उसमें दोनों नी का यूज होता है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राग दिन के मध्य में गाया जाता है, दैट इज वृंदावनी सारंग। ओके, निम्नलिखित में से किस जोड़ी के रागों में समान स्वर प्रयुक्त तो होते हैं, दैट इज बसंत और परच। क्रंदन मुरकी किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है, सितार। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रेमी पुरस्कार मिला है वो कौन है, जाकिर हुसैन, नन अदर देन जाकिर हुसैन। सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है, दैट इज पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, आलंघन एवं अभ्यास निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं, तो ये प्रकार हैं अल्पत्व के। ठुमरी में कौन सा रस प्रधान होता है, ठुमरी में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित किया गया, स्वामी हरिदास। हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में होता है, जालंधर। अड़ाना किस रागांक का राग है,
बिलावल। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्य कार्यालय है नई दिल्ली में। दुर्गा तथा मालकोश रागों की क्या जाति है? औलव औलव, ठीक है। मा रे पा स्वर संगीति किस वर्ग के रागों में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर है मल्हार। सितार में जोड़ आलाप किन के बाद बजाया जाता है? तो सितार में जोड़ आलाप जो बजाया जाता है वो झाला के बाद बजाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, शोभा गुरडू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी? तो ये ठुमरी की थी। तो ये 125 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व किए हैं हमने 2009 में जो ये पेपर हुआ था। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप बोलेंगे, आप मुझे सजेस्ट करेंगे, कमेंट में मुझे बताइएगा कि अगर आप इनकी डिटेल्स वीडियो भी चाहते हैं तो मैं वो भी लेकर आऊँगी। प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं सॉल्व कराऊँगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स का डिस्कशन भी करेंगे। बट अगर हाँ आप इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हमारी तैयारी जो है वो एक अच्छे मोड पर होती रहे, है ना। ओके, सो थैंक यू गाइज़।